नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आईपीएल रद्द होने के बाद क्रिकेट फैंस की जिंदगी काफी ज्यादा सूनी हो गई थी, लेकिन अब ज्यादा दिन ऐसा नहीं रहेगा क्योंकि क्रिकेट फैंस के लिए जल्द ही मैदान पर खिलाड़ी लौटने वाले। फिर से मैदान पर रोहित शर्मा का जलवा, कोहली का अग्रेशन, बुमराह के यॉर्कर, अश्विन की फिरकी देखने को मिलने वाली। आप तो जानते ही होंगे, भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे के लिए तैयारियों में जुटी हुई। टीम का चुनाव हो चुका है और इंग्लैंड जाने से पहले पूरी टीम को मुंबई में क्वारंटीन पीरियड पूरा करना, उसके बाद ही टीम इंग्लैंड के लिए उड़ान भर सकेगी। लेकिन इंग्लैंड के लिए उड़ान भरने से पहले ही भारतीय टीम को एक बड़ी खुशखबरी मिली। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई की बात मानते हुए इंग्लैंड में होने वाले आइसोलेशन टाइम को कुछ कम कर दिया, जिससे भारतीय टीम 10 दिन की जगह अब 12 दिन अभ्यास कर सकेगी। लेकिन आप तो जानते ही होंगे कि इंग्लैंड जाने वाली भारतीय टीम में एक दो नहीं बल्कि 4 विकेटकीपर बल्लेबाजों को जगह दी गई, मतलब एक अनार और 4-4 बीमार। लेकिन टीम में खेलने को तो एक ही खिलाड़ी को मिलेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि वो कौन सा खिलाड़ी होगा जिसे प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का सामना करेगा। इन सभी सवालों के जवाब टीम में शामिल विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने दे दिए। साहा ने बताया कि इंग्लैंड दौरे पर खेले जाने वाले WTC फाइनल और 5 टेस्ट की सीरीज में वो नहीं बल्कि ऋषभ पंत भारतीय टीम के फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर होंगे। उन्होंने कहा, ऋषभ ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पिछले कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया, ऐसे में वही इंग्लैंड में फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर होगा और मुझे इंतजार करना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो अपना बेस्ट देना चाहेंगे और वो उस एक मौके के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। वैसे साहा के जवाब से एक बात तो साफ है कि कप्तान विराट कोहली को मुश्किल तो होने वाली। पंत हालिया समय में अच्छी फॉर्म में है, लेकिन टेस्ट में साहा का रुतबा किसी से कम नहीं। ऐसे में किसी एक को टीम में जगह देना बड़ी मुश्किल को हल करने जैसा होगा। आपको बता दें, साहा का करियर चोटों से जूझता रहा, यही वजह है कि भारतीय टीम में कभी कार्तिक तो कभी पार्थिव पटेल और कभी पंत को मौका मिला। पंत ने अपनी प्रतिभा से मौके को भुना लिया और उन्होंने भारतीय टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली टीम में 4 विकेटकीपर बल्लेबाजों को मौका दिया गया, जिनमें ऋषभ पंत, रिद्धिमान साहा, केएल राहुल का नाम शामिल, जबकि एक अन्य खिलाड़ी केएस भरत को स्टैंड बाई के रूप में टीम में शामिल किया गया।